मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 जून से 2024-25 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन विडंबना देखिए कि जैसे तैसे सरकार ने अगस्त से अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू की, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं हो रही है। स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती का जिम्मा सरकार ने लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI को दे रखा है, लेकिन DPI भी MPPSC और ESB की ही तरह उन्हीं की तरह आगे बढ़ रहा है, उसी की चाल से चल रहा है, यानी उसे भी उम्मीदवारों की कोई परवाह नहीं है। इसी से ये पोल भी खुल रही है कि प्रदेश के करोड़ों स्कूली बच्चों और हजारों उम्मीदवारों के भविष्य की सरकार को और DPI के अधिकारियों को कतई चिंता नहीं है। प्रदेश के स्कूलों में वैसे भी शिक्षकों की कमी की वजह से 2023-24 सत्र का परीक्षा परिणाम बेहद खराब रहा था, जिसका ठीकरा DPI ने अतिथि शिक्षकों पर ही फोड़ दिया था और सीधे सीधे करीब 30,000 अतिथि शिक्षकों को नए शैक्षणिक सत्र से बाहर कर दिया था। अब नए सत्र में फिर से अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन इसमें भी कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं, जिनकी 10 सूत्र में पड़ताल की। हर बार कोई ना कोई पैंच फंसाने वाले DPI ने इस बार भी तगड़ा तकनीकी पैंच फंसा दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी अगस्त का महीना आ गया है और लगभग 12 जून से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी अतिथि शिक्षकों को ना ज्वाइनिंग मिल पाई है। इन कुछ लोगों ने पिछले वर्ष में काम किया है, तो उनके जब वो लोग लॉगिन करके फीडिंग कर रहे हैं अपना, तो उसमें लिख के आ रहा है कि आप पिछले वर्ष कार्यरत नहीं थे, जबकि वो कार्यरत थे। मैं कई वर्षों से वहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन जब मैंने ज्वाइनिंग की तो उस पोर्टल पर बताया कि आप विगत वर्ष में ज्वाइनिंग नहीं थी, इसलिए आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। ये हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, जिन्होंने नए सत्र में ज्वाइनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। सूबे में ऐसे आवेदकों की संख्या हजारों में। फिलहाल शिक्षा विभाग के गैस फैकल्टी पोर्टल GFMS यानी गैस फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल रही है। इन अतिथि शिक्षकों ने बाकायदा आवेदन किया है। लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI ने 1 अगस्त से अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग के लिए पोर्टल खोला था, लेकिन हर बार कोई ना कोई पैंच फंसा देने वाले DPI ने इस बार भी तगड़ा तकनीकी पैंच फंसा दिया है। DPI ने 1 अगस्त से GFMS पोर्टल खोला, लेकिन अगले ही दिन यानी 2 अगस्त को मेंटेनेंस के नाम पर पोर्टल को बंद कर दिया गया। 5 अगस्त तक पोर्टल बंद रहा और आवेदन की लास्ट डेट से ठीक 1 दिन पहले यानी 6 अगस्त को चालू हुआ। पोर्टल खुला तो आवेदकों की लाइन लग गई और 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। इसी के साथ पोर्टल पर नई तकनीकी उलझन शुरू हो गई। किसी अतिथि शिक्षक के आवेदन से स्कोर कार्ड गायब थे, तो किसी के आवेदन से बीते सालों के अनुभव की जानकारी गायब मिली, और इनके बारे में जानने के लिए जब आवेदक DPI के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। लिहाजा सैकड़ों लोग दफ्तर के बाहर परेशान होते रहे और दासूत्र को अपनी समस्याएं बताने लगे। जिनका रिजल्ट अच्छा आया है तो उनके में लिखा था कि आपका रिजल्ट विगत वर्ष में 30% से कम रहा है, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, या ये लिख के आ रहा है कि आप मेरिट सूची में नहीं आ रहे हो, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि आपका भी पद नहीं खुल पाया है, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। मतलब बहुत कई प्रकार की समस्याएं उसमें आ रही है। 12 जून से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी अतिथि शिक्षकों को ना ज्वाइनिंग मिल पाई है, ना ही कुछ मतलब लोगों को अंदर किया गया है। अभी जब रिजल्ट खराब आएगा तो बताएंगे कि 30% से कम जिस स्कूल में रिजल्ट खराब आया है उस स्कूल में अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाए, जबकि जो परमानेंट शिक्षक है वो तो अभी तक क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कुछ आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जाएगा। ये तो कुछ चुनिंदा पैंच हैं जो शिक्षकों ने हमें बताए। इस तरह के और भी कई पैंच हैं जिनका जवाब अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है। हालांकि आवेदकों की भीड़ देखकर DPI ने इतना जरूर किया कि ज्वाइनिंग प्रोसेस की डेट 12 अगस्त तक बढ़ा दी, लेकिन सवाल वही है कि DPI के पोर्टल पर आवेदकों से जुड़ी अहम जानकारियां गायब क्यों हैं? इससे असर ये पड़ रहा है कि पात्र होने के बावजूद आवेदकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है और उनका हक मारा जा रहा है। इधर सूबे के सरकारी स्कूलों की हाल देखें तो स्कूलों में बीते 1 दशक से ज्यादा वक्त से रेगुलर टीचर्स की भर्ती ही नहीं हुई है और टीचर्स की संख्या वैसे ही कम है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल इन अतिथि शिक्षकों के कांधों पर स्कूल शिक्षा का पूरा भार है, सरकार उनके साथ भी इंसाफ नहीं कर पा रही। गुरुवार को बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक आवेदन लेकर DPI के दफ्तर पहुंचे। वो DPI कमिश्नर से मिलकर अपनी परेशानियां बताना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर ने उनसे मिलने की जरूरत ही नहीं समझी।
आखिरकार प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी आस लेकर भोपाल पहुंचे आवेदकों को राजधानी से निराश, हताश और परेशान होकर वापस लौटना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव से पहले शिक्षकों के वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दल, सरकारें बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं अतिथि शिक्षकों को, उन्हीं शिक्षकों को, उन्हीं वोट बैंक को भुला दिया जाता है। पीड़ित आवेदक सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों के लिए 70,000 से ज्यादा पद हैं, तो फिर सरकार पात्र आवेदकों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है। फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है उस पर जाहिर तौर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब निश्चित तौर पर सरकार को देना ही चाहिए। इसी तरह मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के हजारों उम्मीदवार भी लगातार परेशान हो रहे हैं। स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन, प्रदर्शन, आवेदन और निवेदन कर करके थक हार चुके उम्मीदवार 9 अगस्त से देश की राजधानी दिल्ली में डेरा जमाने वाले हैं। यानी मुख्यमंत्री ने उनकी नहीं सुनी, इसलिए वो अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी से इंसाफ मांगने जा रहे हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।